आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TMT न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मुरैना जिले में 2 अप्रैल को हुए उपद्रव और हिंसा को लेकर अब सियासत हो रही है। आरक्षण बचाव मोर्चा द्वारा उपद्रव के दौरान दंगाइयों से मुकदमे हटाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर 2 भाई बहनों को इसी उपद्रव में फंसे रेल यात्रियों की सहायता करने के लिए राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। ये सम्मान दिल्ली में 24 जनवरी को किया जाएगा। ज्ञात हो कि मुरैना की आद्रिका गोयल 9 साल और कार्तिक गोयल 11 साल को 24 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रपति नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड से सम्मानित करेंगे। दरअसल अक्षत गोयल के इन दोनों बच्चों ने पिछले साल 2 अप्रैल को मचे उपद्रव के दौरान छत्तीसगढ़ रेल यात्रियों को खाने पीने की वस्तुएं मुरैना रेलवे स्टेशन पर बांटी थी। ये दोनों भाई बहन अपने घर से झोला में खाने पीने की वस्तुएं लेकर गए थे और उपद्रव में घंटों फंसे रहे रेल यात्रियों को ये वस्तुएं प्रदान की थी। रेल यात्रियों को इन दोनों भाई बहनों द्वारा सामान प्रदान करने का वीडियो और फोटो वायरल हो गई थी। इसी वजह से राष्ट्रपति इन दोनों बच्चों को सम्मानित करेंगे। जिले भर में दोनों बच्चों के सम्मान की खबर सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई। 2 अप्रैल के दिन जब हमें सूचना मिली, मतलब हम अपने घर पे बैठे थे तो वहाँ पे हमें सब दिख रहा था रेलवे स्टेशन पे कि क्या हो रहा है, और नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी पुलिस की, और वो उनसे भी सूचना मिल गई हमको, मतलब वो बात कर रहे थे तो हमको भी पता चल गया उस मतलब से। और फिर हमें पता चला कि जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है वो वहाँ पे कैप्चर कर दी गई है। वहाँ पे बहुत सारे यात्रियाँ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। तो हमें जो भी वहाँ पे सामान घर पे मिल रहा था, पता चला था कि वहाँ पे कोई पानी नहीं है, खाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारी पेंट्री खाली हो गई थी। तो हमने जो भी घर पे सामान था खाने पीने का, जैसे रोटी और कुछ मिठाई, नमकीन के पैकेट्स, तो वो इकट्ठे किए। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ फर्स्ट एड बॉक्स, वो भी इकट्ठा किया। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जैसे बैंडेज, सोफ्रा डेक, सोफ्रा माइसिन, ऐसी ट्यूब्स इकट्ठी करी और हम निकल गए। जहाँ पे हम जैसे ही जा रहे थे तो वहाँ पे हमें पुलिस ने रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो फिर हमने कहा कि नहीं, हमको जाना है, हमें उनकी मदद करनी है, वो इतने हमें मदद करनी है उन नीडी लोगों की। तो उनने फिर कहा कि अच्छा ठीक है, आप लोग अच्छा काम करने जा रहे हो, चले जाओ। फिर हमने जल्दी से उनको जाके बांटा। पहले तो वो बहुत डर रहे थे, खोल ही नहीं रहे थे दरवाजे और खिड़कियाँ। फिर हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ खोलिए, तब उनने धीरे धीरे खोला। और फिर जैसे बंदरों को देखा है, जब वो एकदम खींचते हैं तो वैसे ही वो एकदम खींच रहे थे क्योंकि उनको डर लग रहा था। और फिर हमने फिर जल्दी से गेट खुलवाया और अंदर जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा महसूस हो रहा है और काफ़ी गर्व की बात है इस वाली चीज़ में। और ये 2 अप्रैल को जो केस हुआ था SC ST एक्ट के अगेंस्ट में, उस वाले संदर्भ में बुलाया जा रहा है ब्रेवरी वाले में, ब्रेवरी कैटेगरी में। और उसमें क्या है कि चूंकि जब ही आपको मालूम है इतना ब्लैक स्पॉट सा उस दिन रहा था और छुट्टी थी तो बच्चे दूसरे वाले घर पे वहाँ चले गए थे, स्टेशन सामने ही था, तो वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को कैप्चर उन्होंने कर लिया था। तो सुनने में आ रहा था चूँकि सारी प्रशासनिक गाड़ियाँ हमारे स्टेशन रोड पर ही सब खड़ी थी, सामने ही दिखाई दे रहा था और बहुत ज़्यादा चीखों की गोलियों की इनकी आवाज़ आ रही थी। तो सुनने में जैसे ही ये बच्चों को ये आया कि वहाँ पे ट्रेन को कैप्चर कर लिया है, उसमें अंदर कई भूखे प्यासे महिलाएं, बच्चे बूढ़े सभी लोग हैं, उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा, डर रहे हैं, चीख रहे हैं बहुत बुरी तरह से, तो इनने वहाँ पे जितना भी सामान जो अवेलेबल हो सकता था घर पे, जितना अवेलेबल घर में होता है ये कमूमन, वो इनने उस बैग में डाल के स्टेशन की तरफ दौड़ गए थे। और वहाँ पे जाके ट्रेन में और उनको सर्व किया था। पहले तो उनने बेचारों ने गेट खोले ही नहीं क्योंकि वो इतने डरे हुए थे कि सारे गेट्स विंडो वगैरह सब उनने बंद कर ली थी। और बहुत ज़्यादा इन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी तब जाके उनने गेट खोले थे। मुझे जब मालूम पड़ी थी मैं पीछे पीछे भगा गया था, इनको वापस लाने की जिद करी, लेकिन नहीं, ये लोग कि नहीं हमको तो उनको सर्व करना है, अगर आज हम कहीं पर फंस जाएंगे, हमारी ऐसी हेल्प करने कोई अगर नहीं आएगा तो फिर कैसा लगेगा।